नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 मई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। कोविड-19 बिहार में लगातार अपनी पैठ बनाए जा रहा है, जिसके तहत बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 481 पहुंच गया है। अगर पाए गए प्रभावित जगहों की बात करें तो अधिकतर भोजपुर, कैमूर, बक्सर, वैशाली के हैं, जिसके बाद सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके कोविड-19 की रोकथाम के लिए काम कर रही है। बिहार में कोविड-19 से प्रभावित चौथे मरीज की गई जान। बिहार में कोविड-19 से जान गंवाने वालों का आंकड़ा जारी है। बीते दिन बिहार के चौथे मरीज ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा जारी किए गए जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति की जान गई है वह 45 वर्षीय था और 30 अप्रैल को कोविड-19 प्रभावित होने की पुष्टि के बाद PMCH में भर्ती किया गया था। 1187 मजदूर को लेकर दानापुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। बीते दिन केंद्र सरकार के आदेशानुसार 1187 मजदूरों को लेकर के माइग्रेशन स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची, जहां पर सभी लोगों का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री ने किया। वहीं ट्रेन से आने वाले श्रमिकों को उनके जगह पर पहुंचाया गया। इसी बीच केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। वहीं स्टेशन पर पहुंचने के बाद इन सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इतना ही नहीं, यह सभी वह मजदूर है जिनके सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, सिर्फ उन्हें ही आने की अनुमति मिली है। वहीं बसों को सैनिटाइज किया गया है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मजदूरों को बस में बैठाया गया है। बीते दिन जारी किए गए पहले अपडेट में भोजपुर में एक साथ मिले 6 कोविड-19 प्रभावित। बिहार के भोजपुर जिले में बीते दिन पहले अपडेट में 6 कोविड-19 प्रभावित मिले हैं, जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। भोजपुर में कोविड-19 प्रभावित की संख्या 18 तक पहुंचने के बाद जिला प्रशासन की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने और सख्ती अपनाते हुए सीमा पर चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं अब इलाके में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को भी जोर कर दिया गया है। सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ाने का दिया आश्वासन। बिहार के बाहर फंसे लोगों को वापस बुलाने के लिए बिहार सरकार ने बीते दिन स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया था। वहीं ट्रेन बीते दिन दानापुर पहुंची थी। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन सभी आम नागरिकों को आश्वासन देते हुए यह भी साफ किया कि बिहार में और ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिससे कि जयपुर, हैदराबाद से और देश के अनेक स्थानों से भी इन 5 विशेष ट्रेनों की मदद से रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही करवाई जाएगी। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख केंद्र सरकार है चिंतित। जहां एक समय में कोविड-19 के प्रभाव को कम माना जा रहा था, वहीं अब बिहार में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए बिहार सरकार के अलावा अब केंद्र सरकार भी चिंतित हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बीते दिन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है, जिसमें बिहार में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामले और मुजफ्फरपुर के इलाके में AES के बढ़ते असर को लेकर चर्चा हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य में कोविड-19 के डबल होने का औसत राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। बिहार में 15 दिन से थोड़े ज्यादा वक्त में कोविड-19 का आंकड़ा डबल हो रहा है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। बीते दिन केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुली। दूसरे राज्य में फंसे बिहार के लोगों की वापसी अब शुरू हो गई है, जिसके बाद आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए बीते दिन 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन को भी बिहार के लिए रवाना किया गया है, जिसका ऐलान बिहार सरकार ने किया है। आपको बता दें, यह ट्रेन बीते दिन केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से खुली है। वहीं इससे पहले भी बिहार प्रवासियों को लेकर पहली ट्रेन बिहार पहुंच गई है। बिना जांच के घर नहीं जा पाएंगे बिहार से आने वाले लोग। बंद में फंसे सभी प्रवासी मजदूर और छात्रों को बिहार सरकार बिहार वापस लाने का काम शुरू कर चुकी है। खबरों की माने तो लगभग 10 लाख लोगों को बिहार लाया जाना है। हालांकि बाहरी लोगों के बिहार की सीमा में प्रवेश के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार एहतियात के तौर पर इसके रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को तेज करवा रही है, जिसके तहत बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि ऐसे मजदूर, छात्र एवं अन्य लोग 3 स्तर पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अपने अपने घर पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं DGP गुप्तेश्वर पांडे ने सभी अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए सभी यात्रियों पर पैनी नजर बनाए रखने की भी अपील की है। कोविड-19 से 10 और मरीज हुए स्वस्थ। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 10 और मरीज ठीक हो चुके हैं। खबरों की माने तो यह सभी मरीज NMCH पटना में भर्ती थे। वहीं ठीक हुए सभी मरीजों के बाद बिहार में ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 101 पर पहुंच गया है, जो कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक राहत भरी खबर साबित हुई है। पार्सल ट्रेनों को चलाया जाएगा नॉनस्टॉप। देश में 4 मई से 17 मई के बीच बंद बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि 17 मई तक किसी भी तरह के पैसेंजर ट्रेन को तो नहीं चलाया जाएगा, मगर पैसेंजर ट्रेन के बदले पार्सल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से सहरसा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बीच चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब 15 मई तक जारी रहेगी। वहीं इस ट्रेन की शुरुआत 9 अप्रैल से की गई थी और 3 मई तक स्पेशल पार्सल ट्रेन को चलाना था, लेकिन अब बंद का विस्तार और इसकी मांग को देखते हुए परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है।
IGIMS के 40 डॉक्टर की आई रिपोर्ट। IGIMS के 40 डॉक्टरों की रिपोर्ट आ गई है, जिसके तहत इन सभी डॉक्टर में कोविड 19 पॉजिटिव नहीं पाया गया है। खबरों की माने तो बीते दिन IGIMS में कोविड 19 का इलाज होने के बाद वहां कई मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया था। वहीं कुछ दिनों पहले IGIMS में जिस महिला का इलाज किया गया था, उसके संपर्क में आने से एक नर्स और एक महिला सफाईकर्मी कोविड 19 से प्रभावित हो गए थे, जिसके बाद इन सभी डॉक्टर्स के सैंपल को भी भेजा गया था। हालांकि डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल को थोड़ी राहत मिली है। बिहारियों को वापस लाने के लिए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए बिहारियों को वापस लाने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले के लिए केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मदद के बाद ही बिहारियों को बिहार लाना संभव हो पाया है और अब उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वापस लौट रहे बिहारियों की जांच कर कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में उनको रखने में सफल होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सभी प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके राज्य में भेजने का फैसला जारी किया था, जिसकी प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो चुकी है। बिहार के सरकारी कर्मियों को बंद की अवधि का भी मिलेगा वेतन। बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि सभी सरकारी कर्मियों को बंद की अवधि का भी वेतन दिया जाएगा, जिसके तहत सरकारी कर्मियों को राहत देते हुए सरकार ने मार्च अप्रैल के उनके वेतन भुगतान का निर्णय लिया है। संविदा आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मियों को भी बंद की अवधि का उनके नियुक्ति के शर्तों के अधीन वेतन देने की पहल को तेज किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से 3 मई तक लोकल ट्रेन से यात्रा कर नौकरी पर आने वाले सभी लोगों की छुट्टी प्रदान कर रखी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बंद के दौरान अनुपस्थित कर्मियों को भी उपस्थित माना जाएगा और उन्हें वेतन दिया जाएगा। पीएमसीएच के 8 डॉक्टर्स को किया गया सस्पेंड। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच पीएमसीएच के 8 डॉक्टर्स को काम से निकाले जाने की खबर सामने आई है। पीएमसीएच से वैसे डॉक्टर्स को निकाला गया है जिनकी ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में लगाई गई थी, लेकिन आइसोलेशन वार्ड में लगाई गई ड्यूटी में सभी डॉक्टर्स ने ड्यूटी को लेकर शोर शराबा किया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी के अनुसार इन सभी डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने बीते दिन जानकी नवमी के शुभ अवसर पर बिहारवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल फागू चौहान ने बीते दिन माता जानकी के पावन जन्मोत्सव जानकी नवमी के शुभ अवसर पर समस्त बिहारवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि माता जानकी का दिव्य चरित्र आदर्श भारतीय नारीत्व का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माँ जानकी का जीवन गाथा उसे हमें त्याग, साधना, सेवा, संयम, सृजन, समदर्शी, करुणा और प्रेम आदि सद्गुणों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा देता है। वहीं उन्होंने सभी आम नागरिकों से अनुरोध करते हुए यह भी कहा कि इस पर्व पर हमें उल्लास और आनंद के साथ मनाना चाहिए, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत बनी रहे। आइए जानते हैं रेड जोन में किन मामलों में मिलेगी छूट। कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे, ऐसे में बिहार के कई जिलों को रेड जोन में डाल दिया गया है, जिसके तहत मुंगेर, रोहतास, बक्सर, पटना और गया बिहार के रेड जोन की श्रेणी में डाले गए हैं। वहीं इन इलाकों में मिलने वाली छूट की बात करें तो ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, कैब सर्विस चालू नहीं रहेंगे। इन इलाकों में सैलून, स्पा, नाई की दुकान नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही जिलों के भीतर या बाहर जाने वाले बसों का परिचालन भी नहीं होगा। वहीं बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति के ही सवार होने की इजाजत दी गई है। आज कोटा से बिहार के लिए रवाना होंगी 2 ट्रेन। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्य में फंस गए स्टूडेंट, श्रमिक और पर्यटकों को लाने की जिम्मेदारी अब सरकार ने उठा ली है। इसी क्रम में आज कोटा से बिहार के लिए 2 ट्रेन रवाना होंगी, जिसके तहत रेलवे के मुताबिक पहली ट्रेन सुबह 11 बजे कोटा से गया के लिए चलेगी। इसके बाद दूसरी ट्रेन रात 9 बजे कोटा से बरौनी के लिए रवाना होगी। खबरों की माने तो बरौनी के लिए ट्रेन में 8 जिलों के स्टूडेंट होंगे, वहीं गया के ट्रेन में 5 जिलों के छात्र मौजूद होंगे। हालांकि सभी छात्र अपने आईडी कार्ड के साथ ट्रेन में बैठेंगे, वहीं स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स को सफर करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं स्पेशल ट्रेन से सफर करने वाले स्टूडेंट्स करेंगे, जिनके मोबाइल पर कोटा डीएम की तरफ से एक मैसेज भेजा गया होगा। मुंगेर जिले में सड़क दिखने लगी है अब खाली। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच मुंगेर को रेड जोन में डाल दिया गया है। वहीं बिहार में कोविड 19 के सबसे अधिक मामले मुंगेर में ही देखने को मिले हैं। अकेले जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के सदर बाजार इलाके में 87 मामले आए हैं और यही कारण है कि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में बंदी का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। वहीं मुंगेर में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसर गया है। कोविड 19 के जारी जद्दोजहद में सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुंगेर में बढ़ते असर को देखते हुए सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। वहीं सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से करवाया जा रहा है।
कोविड 19 के माहौल में शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही अहम बात। कोविड 19 के फैलते असर के बीच राजनीति भी बिहार में जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में राजद नेता शिवानंद तिवारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड 19 के इस माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हेमंत सोरेन। यही कारण है कि दूसरे राज्यों से छात्रों को वापस बुलाने में झारखंड के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री से ज्यादा सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति हुई शुरू। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच इस साल विधानसभा चुनाव का आयोजन भी होना है और यही कारण है कि कोविड 19 के रोकथाम के साथ साथ बिहार में राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में अप्रवासी मजदूरों का नया राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। हाल ही में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिसने अपने 15 साल के राज में बिहार की शिक्षा, खेती और उद्योग व्यवसाय को चौपट कर लाखों छात्रों और मजदूर को दूसरे शहर में जाने पर मजबूर किया, वही आज केवल बयानबाजी कर प्रवासी बिहारियों के हमदर्द बन रहे। इतना ही नहीं, मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आगे यह भी कहा कि मजदूरों पर सियासी रोटी सेकना बंद कर दे विपक्षी सरकार। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि प्रशासनिक क्षमता, संवाद, संवेदना, दूरदर्शिता आदि पैमाने पर सीएम साहब विफल ही नजर आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुद की मांग, खुद ही खंडन, खुद का आग्रह, खुद ही हाथ खड़े कर देना, इनका एक सूत्री एजेंडा हमारे सकारात्मक सुझाव के विपरीत ही देखने को मिला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते दिन कई रीट्वीट्स किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों और छात्रों की आवाजाही को अनुमति दे दी थी, उसके बाद भी लगातार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लक्ष्मीपति बालाजी ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिया अहम बयान। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में T20 विश्व कप को जीतना क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप और अधिक लोकप्रिय बनाया गया है। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया 2007 में खेले गए पहले T20 विश्व कप फाइनल में आखिरी ओवर तक चले मैच में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर विश्व विजेता बनी थी। वहीं बालाजी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे यह भी कहा कि पुराने दिनों की बात है कि जब शोएब अख्तर बहुत दूर से दौड़ कर आते थे, काफी तेज गेंद फेंकते थे, लेकिन राहुल द्रविड़ एक गेंद को आसानी से छोड़ देते थे। यह क्लासिकल क्रिकेट का हिस्सा था जो कम हो गया है। रामायण की सफलता के लिए दूरदर्शन ने वीडियो जारी कर दर्शकों का किया धन्यवाद। कोविड 19 के बढ़ते असर के बाद दूरदर्शन ने दोबारा से रामायण का प्रसारण कराया था। तब से लेकर अब तक रामायण को लेकर काफी सारी चर्चाएं सुनने में मिल रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिल रहा है। इसमें रामायण ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके लिए डीडी इंडिया ने कुछ समय पहले एक वीडियो जारी किया था और लोगों का धन्यवाद भी दिया था, जिसके तहत दूरदर्शन नेशनल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दर्शकों के लिए पोस्ट लिखते हुए कहा था कि हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद। ग्लोबल तौर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम। इस पोस्ट के साथ दूरदर्शन एक वीडियो को भी शेयर किया था, जिसमें रामायण देखते हुए कई दर्शक नजर आ रहे थे। भारतीय मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि बिहार के पटना समेत कई जिलों में 3 दिनों के अंदर भारी बारिश, आंधी देखने को मिल सकती है। वहीं कई ऐसे जिले भी होंगे जहां पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 3 मई से 6 मई के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विभोक्ष के कारण क्षेत्र में दबाव बन रहा है और अरब सागर में नमी पैदा हो रही है और यही है कि बारिश की संभावना बढ़ रही है। iPhone 12 सीरीज की डिटेल्स हुई लीक। iPhone 12 सीरीज के लीक्स आने शुरू हो गए हैं, जिनमें स्मार्टफोन की कीमत, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स सामने आई है। गौरतलब है कि हाल ही में एप्पल iPhone SE 2 लॉन्च किया था, जिसके बाद फैंस में iPhone 12 को लेकर के काफी ज्यादा इंतजार देखने को मिल रहा था। खबरों की माने तो iPhone 12 सीरीज के 3 iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max लॉन्च किया जाएगा। इस Pro Max सीजन का टॉप वेरिएंट होगा। लीक्स के मुताबिक iPhone 12 Pro में 6.1 इंच की स्क्रीनिंग होगी। इसकी कीमत लगभग 75,000 होगी। वहीं iPhone 12 Pro Max की कीमत 83,000 होगी। वहीं iPhone 12 की कीमत 49,000 होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद गुलाम, संजीत कुमार यादव, अजीत कुमार, शिवम कुमार, सरवन कुमार, मेहराज आलम, विनोद प्रेमी, रविंद्र कुमार वर्मा, शशि भूषण, सोनू गुप्ता, अमित तिवारी, गोपाल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार क्या बिहार सरकार लाखों की तादाद में प्रवासियों को दोबारा बिहार में लाने में क्या सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।